अंबिकापुर के भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिले भर की सोसाइटियों में खाद और बीज की कमी को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटियों में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, साथ ही किसानों को जबरन वर्मी कंपोस्ट देने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरोप है जिला प्रशासन के दबाव में सोसाइटियों के अधिकारी किसानों को रासायनिक खाद और बीज नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशान है। स्थिति आज ये है कि हम वर्मी कंपोस्ट के अलावा जो रासायनिक खाद किसान इस्तेमाल करता है, जो DAP इस्तेमाल करता है, जो NPK इस्तेमाल करता है, जो यूरिया इस्तेमाल करता है, उसको खरीदने के लिए हमारे बैंक में समिति में हमारे लिमिट में वो पैसे नहीं रह गए हैं और आज किसान वहां पर हाहाकार मचा रहा है। नमनकला सोसाइटी के कुछ सदस्य आए थे हम मिलने के लिए, उनकी बेसिकली गोधन योजना के अंतर्गत जो हम किसानों को वर्मी या सुपर कंपोस्ट दे रहे हैं उसके संबंध में कुछ उन्होंने बिंदु यहाँ पर भी बताए हैं कि जिसके संबंध में उनको एक आपत्ति थी, तो उसके संबंध में उनको समझाया गया कि जो भी शासन की मंशा है, जो गोधन योजना के अंतर्गत हम किसानों को वर्मी या सुपर कंपोस्ट दे रहे हैं, हम तो गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें।